તલવાર મર્દન સફા ફરક તલવાર હોતા કિસમ કા ખરગ હોતા ઓર કિસમ કા યુકુ સાહેબ મતલબ એકિયા તો પ્રહલાદ વહી જીવન મે કુછ મહાભાગવત પ્રહલાદ કો ઇસ પ્રકાર ગાલી દેતે હુએ કે ગાલી દેતે હુએ ક્રોધ સે મારણ મારુ કો ડાકતે ડાકતે ખરગ ધારણ કિયા ધારણ કરકે સિંહાસન છોડ કે સિંહાસન ચાહે उठ के स्तंभ जो उसने दिखा पीला जो था पीला को एक आघात लगा मुष्टि स्तंभ तारापी बलस्त मुष्टिना स मुष्टि अपना मुष्टि द्वारा इस प्रकार चवर एक चोट लगाया स्तंभ तदीव तस्मिन् युनदो उद्भीषण खर बभूष जे नंद कथा हम अस्पृत જંગવૈ સધિષ્ણોવગતં સ્વજાદય સુત્તા સદામશ્વય મંગલમેરે ઇસ પ્રકાર જબ હુઆ મુષ્ટિ કે આઘાત લગાયા સ્તંભ મે ભીષણ એક અવાજ ઉઠા ભીષણ શબ્દ હુઆ જો શબ્દ પ્રભુ મન સંકિત કર એસા શબ્દ માલુમ હુઆ જેસા બ્રહ્માંડ તરહ સ્તુજ્ય બ્રહ્માંડ જેસા ફાડ્ય એસા માલુમ કર ये महाराज युधिष्ठि ब्रह्मादि देवताओं ने सब अपना अपना धाम में अपना अपना स्थान पर रहकर कोई भीषण शब्द सुनकर मन में यही धारणा किया कि आज हम लोगों को स्थान भ्रष्ट हो गया, आज हम लोग का ब्रह्मांड खत्म हो रहा है। यही निश्चय किया ब्रह्मादि देवता डर का मारे क्या आवाज हो रहा है। इस प्रकार अपना पुत्र को निधन करने के लिए अभिप्राय लेकर महापराक्रमशाली दत्तेन्द्र हिरण्यकशिपु उस प्रकार प्रभाव प्रकाश करने का मकसद जिस प्रकार ध्वनि कभी जिंदगी में सुना नहीं इसी प्रकार अद्भुत एक भीषण शब्द दुष्ट कथा में दिया है। और दुष्टपति जो था वो लोग का भी डर लग गया, शब्द सुनते हुए क्या हुआ क्या हुआ, इस प्रकार दिल में डर हो गया। अभी यही आवाज कहां से आ रहा, हिरण्यकशिपु का और दुष्टों का डर हो गई, आवाज कहां जा रहा, इस प्रकार शब्द कहां था सत्यम, लेकिन किसी को देखने नहीं मिला। सत्यम निधातुम निजवृत्त भाजितम व्याप्तिं च भूतेश्व दिलेषु चात्मनः अदृश्यतत्तद्भुत रूपम् उद्वहन् स्तम्भे सभायाङ्गनमिदं नमानुषम्। उस वक्त तदा हरि निज वृत्त भाषितम अपना वृत्त, वृत्त मतलब सेवक का भाषण, नकर सेवक उनका जो भाषण क्या भाषण, निज वृत्ते न प्रहलादी ने आज भाषित मतलब सत्यम विदार प्रहलाद का जो मैं देखता हूं, प्रहलाद कहा था जो मैं तो देखता हूं स्तंभ में भगवान है, हाँ जब कहा तब तुम्हारा पिता का इसलिए कहती निजभृत प्रभाव भाषित दृश्यपैती वतन सत्तम विधातु सत्यमेव तल्लोके सत्यत्वेन प्रतिबद्धम इत्यर्थः। प्रभाव जो कहा जो मैं देख रहा हूं यही प्रभाव की उक्ति को सत्य करने के लिए भगवान अपना भक्त का जवान को सत्य करने के लिए और तथा अखिलेशु आत्मनो निशिंगाजाकार व्यक्ति सत्यांक स्तंभे अदृश्यको दृश्यवस्तु प्रहलाद जी बताया था मेरा प्रभु सर्वत्र विराजमान है। यही निशिंग की सर्वत्र व्याप्ति, भगवान की सर्वत्र व्याप्ति व्यापकता इसको भी प्रकाश करने के लिए सर्वत्र भगवान विराजमान है।
यही बात को सत्य करने के लिए, प्रकट करने के लिए ही किस प्रकार भगवान प्रकट हुआ। अधिशूतम रूपम उद्भव स्तंभे समाय असभायम न मृगम न मान, ना मृग ना सिंह रूप न मनुष्य रूप, अध्यक्ष मृग अध्यक्ष मनुष्य, अर्थात नरसिंह रूप से भगवान वहां पर प्रकट हुआ। भगवान सिंह भगवान की जय, भगवान की जय, भक्ति दिग्विजय सिंह भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, प्रहलाद महाराज की जय। अभी तो बहुत अच्छे अच्छी बात है, कैसे प्रसार प्रकट हुआ। सप्तमेन अपरितो विपश्यन् स्तम्भस्य मज्जाद मुनिर्जहानम् नयन मृगो नापि नरो विचित्र नहो किरीटं वीरेन्द्र रूपम्। स्तंभ का बीच से बहिर्गत होकर बाहर निकाल के वही प्राणी तो अच्छी तरह से देखकर हिरण्य कुछ चुकाने लगा। तो जो प्राणी तो है ये तो सिंह नहीं है, ये तो मनुष्य भी नहीं है, ये तो ताज्य प्राणी सिंह है। हिरण्यकशिपु सब अच्छी तरह से देखा प्राणी को, इसको सुनो नहीं, ये तो नौर नहीं है, सुनो नहीं है, तो काफी प्राणी।